2008 में चुनाव के पहले ऐसे ही झूठ बोल करके किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया, माफ कितना किया 60 हजार करोड़, दिया कितना 52 हजार करोड़। 52 हजार करोड़ में से कहां गया, 35 लाख लोग ऐसे पैसे ले गए जिनका कोई खेत नहीं था, न खेती में कोई फसल का पैसा था, कुछ नहीं था, 35 लाख ऐसे ही चले गए पैसे। लेकिन उस समय अरबों खरबों के घोटाले इतने तेज हवा में चलते थे कि किसानों से लूटे गई बात कभी अखबार में छपी भी नहीं। सीएजी ने रिपोर्ट किया, देश के किसान, भला भोला किसान जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहिए, वो आपकी बात मानेगा, लेकिन कृपा करके झूठी बातें बता करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उस समय किया 6 लाख करोड़ का कर्ज था, 60 हजार का बातें की और 52 हजार से ऊपर दिया नहीं। पंजाब चुनाव के पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, जो काम कर नहीं सकते हो, आपको भी पता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा फोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सच्चाई की धरातल पर देश चलना चाहिए। जो कर सकते हैं उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे जयराम जी का इस वर्ष को मनाने का जो नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। देश की जनता इस पर भरोसा करती है, हिमाचल की जनता भरोसा करती है कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बस अब तो एक सुवर्ण युग आ गया, हर एक के घर की छत सोने की बन जाएगी, हर एक के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ऐसी बातें ना हमने की है, ना हम ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं। हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। हिमाचल ने करके दिखाया है और उसका लाभ आज हिमाचल को मिल रहा है।